हेलो गाइस, राधे राधे। और आज हम बनाएंगे आलू भुजिया। उसके लिए मैंने चार आलूओं को छील लिया है। अब इन्हें ये इससे ग्रेटर से इससे कद्दूकस से और कस लेना आलूओं को। और ये बारीक तरफ से कसने हैं, मोटे की तरफ से नहीं कसने, नहीं तो गांठ गांठ हो जाएंगी। इसलिए इन्हें बारीक की तरफ से कद्दूकस कर लें। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच नमक, एक काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये हींग, ये चाट मसाला, और इसमें 2-3 चम्मच ये बेसन डाल दें। और एक डो जैसा इसको तैयार कर लें। अगर थोड़ा सा ढीला लगे तो थोड़ा सा बेसन और डाल लें, और अगर नहीं लगे तो पानी नहीं डालना। ये 1 चम्मच इसमें तेल और डाल लें, जिससे बहुत खस्ता सी और अच्छी बनाएंगी। तो ये डो तैयार हो गया है। बस अब इसे, ये मशीन है, इसमें मैंने तेल लगा लिया है, अच्छे से चिकना कर लिया है। अब इसको डो को थोड़ा थोड़ा करके इसमें लगा लेंगे। इस टाइप में इसे अंदर कर लें और थोड़ा सा ले लें, 2 बार में आ जाएगा पूरा। और धीरे धीरे इसमें एक तरफ से जब सिक जाए तो इसे पलट दें। दोनों तरफ से क्रिस्पी सा इन्हें सेक लें। ज़्यादा लाल नहीं करने ये, नहीं तो फिर कड़वे से लगेंगे, इसलिए बस इन्हें हल्का हल्का ऐसा ही। और ये हमारे तल के तैयार हैं। अच्छे से तेल निचोड़ लें और इन्हें निकाल लें, बाकी के और बना लें। इन्हें भी पलट दें और ये भी सिक्के निकाल लें। और ये ढेर सारी आलू की भजिया बन के तैयार है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। कम पैसों की भी है, आलू मिल जाते हैं तो आलू से और सस्ती हो जाती है ये, और बहुत ही स्वादिष्ट है। होली पे ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। ठीक है, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।